कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज फिर आप सभी का चैनल एक नई वीडियो के साथ आपके रूबरू होने जा रही है। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं दरख्शां उर्दू हिस्सा दो के चैप्टर असदुल्ला खां गालिब को। ये वीडियो है क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए। आज का चैप्टर क्या होने जा रहा है? तो असदुल्ला खां गालिब। इससे पिछली वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस पर जाकर देखें, उसमें सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपको हम ये बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो देखने में और वीडियो की नोटिफिकेशन जाने में कोई कठिनाई की सामना न करना पड़े। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक में क्या है, असदुल्ला खां गालिब का पूरा नाम क्या था? तो असदुल्ला खां गालिब का पूरा नाम देखिए जवाब में लिखा हुआ है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो गालिब की पैदाइश जो है ये देखिए 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को नानिहाल के आगरा में हुई थी। आपको क्वेश्चन आएगा मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? तो आगरा में हुई थी। गालिब की वफात कब हुई? तो 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। इनको याद में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गालिब के वालिद का नाम क्या था? तो गालिब के वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग था। गालिब के चचा का नाम क्या था? तो नसरुल्ला बेग था। तो देखिएगा आप ज़रा सोच समझ कर अपने क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। कितने स्टूडेंट ये करते हैं कि उनके वालिद के नाम की जगह चचा के नाम में टिक मार देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। आगे देखते हैं, गालिब के वालिदा का नाम क्या था? तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम। अगला क्वेश्चन है, गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई? तो गालिब की शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गालिब की अहलिया का नाम क्या था? तो अमराव बेगम। अहलिया का मतलब बच्चों होता है, जिसको अपने लोग कहते हैं बीवी, वाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं, गालिब के उर्दू खतूत का नाम लिखिए। तो औहदे हिंदी उर्दू मौला, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएगा नीचे औहदे हिंदी और उर्दू मौला, और मतलब के चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से कहेगा चुनने के लिए कि गालिब के खतूत, इनमें से गालिब के खतूत कौन है, उस पर सही का निशान लगाए। तो औहदे हिंदी और उर्दू मौला, इसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गालिब के नाम में असद क्या था? तो गालिब के नाम में असद जो लगाते थे, गालिब असद असदुल्ला खां गालिब, तो ये तखल्लुस था। ठीक है, गालिब ने तहसील के सिलसिले में कहाँ का सफ़र किया था? तो कलकत्ता का सफ़र किया था। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो 2 खतूत लिखे हैं। गालिब ने खत किसको लिखा था? तो गालिब खत अपने दोस्त को लिखा था, सैयद शाह करामत हुसैन हमदानी को। गालिब के ससुर का नाम क्या था? तो इलाही बख्श। गालिब ने कुल कितने मकतूब लिखे? तो कुल मिलाकर 900 मकतूब लिखे। गालिब ने उर्दू के अलावा किस जुबान में शायरी की? तो फारसी जुबान में। आपसी तबादला ख्यालात का मुवस्सर जरिया क्या है? तो खतूत है। यानी कह रहा है कि आपस में अगर पहले जो लोग बातचीत भी क्या करते थे, तो किनके द्वारा, किनके जरिया? तो खत के द्वारा ही ना बात क्या करते थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक है कि अगला क्वेश्चन है, उर्दू में खतूत का सिलसिला किसने शुरू किया? तो ये मिर्ज़ा गालिब ने ही उर्दू में खतूत का सिलसिला कायम किया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।